सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ डायसगंज एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताने वाला हूँ डायसगंज एडमिशन 2021 को लेकर। तो जो आपके जो मोस्ट आज डाउट्स होते हैं वो सबके आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, लाइक शेड्यूल कब से स्टार्ट होगा, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद में जो एग्ज़ाम्स होंगे वो कब से स्टार्ट होंगे, वो ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, तो ऐसे जितने भी जो आपके डाउट्स हैं वो सब कुछ जो है इस एक सिंगल वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर दो, और चैनल पे नहीं हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको डीएससी के सारे अपडेट्स मिलते रहे, लाइक फॉर्म कैसे फिल करते हैं, एडमिशन प्रोसेस का सारा अपडेट आपको जो है मिलता रहे। तो गाइस अब हम सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल कब डिक्लेयर होगा, तो और अब तक जो है शेड्यूल डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले हम पॉइंट वन पे आते हैं कि भाई जो शेड्यूल है वो कब डिक्लेयर होने वाला है। तो गाइस अगर आप विजिट करते हो इस वक्त cetcell.mahacity.org तो ये जो वेबसाइट है ये जो है अपडेट्स में जा चुकी है, तो ये कई बार जो है अपडेट में जाती है। तो अब जो है यहाँ पर शेड्यूल जो है डिक्लेयर होने वाला है बहुत जल्दी, यानी कि आपको जो है 30 तारीख तक जो है शेड्यूल देखने मिल सकता है, या फिर जो है नेक्स्ट वीक के अंदर जो है आपको कभी भी शेड्यूल देखने मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको अगर मैं बता दूँ तो अब जो शेड्यूल आएगा वो जो है आपको कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर देखने मिलेगा। यानी कि देखो अब तक जो शेड्यूल डिले था वो इसलिए था क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स थे, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के जो एग्ज़ाम्स थे, उनका रिजल्ट अब तक डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो वो जो है लास्ट वीक में जो है डिक्लेयर हो चुका है। तो अब जब वो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो अब वो जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो सेकेंड ईयर में आएंगे, तो अब उससे जो है कन्फर्म हो जाएगा कि भाई कितने बच्चे जो है सेकेंड ईयर में आएंगे, और अगर कोई फेल हुआ है तो उनकी जो सीटें हैं वो जो सीट्स होती हैं वो भी जो है डीएससी के एडमिशन के लिए रिजर्व होती है अगर कोई फेल हो जाता है तो उस केस में। तो अब जो है उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका था तो अब तक डिले हुआ था उस एक रीज़न की वजह से और सीईटी के एक इसके वजह से भी। तो अब जो है आपको ये पता चल चुका, अब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी है, तो अब जो शेड्यूल है वो डिक्लेयर होने के उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं 30, क्योंकि जो वेबसाइट है cetcell.mahacity.org ये बहुत से अपडेट्स में जा रही है, तो 30 तक आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं देखने मिल जाएगा। और अगर 30 को भी नहीं लगता है तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में तो 1000% जो है शेड्यूल डिक्लेयर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई जब शेड्यूल डिक्लेयर हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो यार जिस दिन शेड्यूल डिक्लेयर होगा उसके नेक्स्ट डे या उसी दिन से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो भाई जो मुंबई यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपना एक सर्कुलर रिलीज किया है और उसके अंदर वो बताते हैं कि इस बार जो एग्जाम होगी वो कंप्लीटली ऑनलाइन वे से होने वाली है। तो यानी कि आपको यहाँ पे एक थिंग तो क्लियर हो जाती है कि भाई जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होने वाली है और जो एग्जाम होगी वो एमसीक्यू बेस्ड होगी। तो जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने इस बार जो एग्जाम का फॉर्मेट है उसमें थोड़ा चेंज किया है, तो चेंज इस तरीके से है कि भाई जो टोटल आपको मार्क्स मिलने वाले हैं तो वो होंगे 80, जिसके अंदर से जो है 20 मार्क्स जो है ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होंगे और जो है 60 मार्क्स की जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होने वाली है, और इसके लिए आपको जो टोटल टाइम दिया जाएगा वो होगा 2 hours 30 minutes। तो इससे आपको एक चीज़ का आइडिया लग जाता है कि भाई अभी जो आपकी एग्ज़ाम होगी जब आप डीएससी में एडमिशन ले लोगे तो आपकी एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन वैसे होने वाली है। अब ये जो है मुंबई यूनिवर्सिटी का है तो पुणे यूनिवर्सिटी भी अपना बहुत जल्दी सर्कुलर डिस्प्ले कर देगी, तो ऑफकोर्स मुंबई यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कंडक्ट कर रही है तो पुणे यूनिवर्सिटी और अदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑनलाइन वैसे ही एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। अब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है हम एक और चीज़ देखने मिलती है वो है टाइम टेबल। इन्होंने जो है कुछ एक टेंटेटिव टाइम टेबल बताया है जिसके अंदर ये बताते हैं कि जो एग्ज़ाम्स हैं जो डीएससी जो इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम्स हैं कि जो सेम थर्ड है, यानी कि जब आप डीएससी में एडमिशन लोगे तो आपका थर्ड सेमेस्टर होगा, तो उसकी जो एग्ज़ाम्स है वो जो है 23 December 2021 से जो है स्टार्ट हो सकते हैं। यानी कि भाई आपको एक चीज़ का पता चलता है कि भाई अगर 23 December से अगर आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली हैं और अभी तक आपका जो है एडमिशन भी नहीं हुआ है, तो इस बार जो आपको शेड्यूल देखने मिलेगा उसके अंदर आपको एक चीज़ ये पता चलेगी कि जो भी एक्टिविटीज़ होंगे वो बहुत फास्ट होंगे। यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कम टाइम दिया जाएगा, फॉर्म फिल करने के लिए भी आपको कम टाइम दिया जाएगा, और जितने भी जो लाइक प्रोविजनल लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, सीट मैट्रिक्स, ये बहुत फास्ट जो है डिक्लेयर किए जाएंगे, क्योंकि आपका जो एडमिशन प्रोसेस है नॉर्मली 2 महीने ले लेता है, तो इस बार कोशिश किया जाएगा कि वो जो है 1.5 महीने में जो है कंप्लीट हो जाए। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपको जो है एडमिशन लेने के बाद कॉलेज का भी एक वर्क होगा कि वो जो पूरा सिलेबस है वो आपका जो है कवर किया जाए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम जो है 90% चांसेस हैं कि जो रेगुलर के बच्चे होते हैं उन्हीं के साथ जो है आप एग्ज़ाम देने वाले हो, आप अलग से एग्ज़ाम नहीं देते हो। जितना जैसे मैं भी खुद डायरी सेकेंड ईयर
का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो जो एग्ज़ाम्स होती हैं वो जो है उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ हम देते हैं। तो यहाँ पर जो है जो शेड्यूल जब डिक्लेयर होगा तो आपके लिए जो है टाइम बहुत कम होगा, लाइक फॉर्म फिल करना होगा। तो नॉर्मली रजिस्ट्रेशन को जो है 20 से 25 दिन देते हैं और फिर वो भी एक बार एक्सटेंड हो जाता है, तो ऐसे करके एक महीना। तो इस बार जो आपको देखने मिलेगा कि आपको जस्ट लाइक 10 टू 15 डेज ही जो है रजिस्ट्रेशन के लिए देंगे, और उसके बाद में जो है प्रोविजनल लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, ये भी बहुत जल्दी जल्दी जो है डिक्लेयर कर देंगे, लाइक दो दो दिन के डिफरेंस से जो है आपको ये सब कुछ देखने मिल जाएगा। सो दैट जो एडमिशन प्रोसेस है वो जो है फास्ट हो जाए, सो दैट कैपराउंड वन जो है जल्दी से हो जाए और बच्चों को एडमिशन मिल जाए। तो गाइस जो शेड्यूल है जैसे डिक्लेयर होगा उस दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा या उसके नेक्स्ट डे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इन सब घाई घाई के चक्कर में आपको ध्यान रखना है कि आप कोई गलती ना करो। अगर कुछ गलती कर देते हो तो ये जो फॉर्म्स होते हैं फिर आप ग्रीवेंस में जाओगे और आपका जो है एक टाइम जो है वेस्ट होने वाला है। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप सही से फॉर्म फिल कर सको, तो उसके लिए जो है हमारी टीम आपका फॉर्म फिल करके दे सकती है। आपको राइट कॉलेजेस मिले, जो भी आपके एग्रीगेट परसेंटेज हैं उसको एकदम हम एनालिसिस करके आपको जो है हम प्रॉपर जो है कॉलेज लिस्ट देंगे जहां पर आपको एडमिशन मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे। तो उसके लिए आप जो है हमारी कॉलेज लिस्ट ले सकते हो जो कि बेसिक प्लान में अवेलेबल है। आपके जितने भी जो डाउट्स होते हैं वो सब कुछ हम सॉल्व कर देते हैं। तो आप हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हो, तो जो कि हमारा प्रोफेशनल प्लान है उसमें आपको कंसल्टेंसी और कॉलेज लिस्ट मिलता है। और अगर आप चाहते हो कि हम आपके फॉर्म फिल करके दें तो आप जो है हमारा एडवांस प्लान ले सकते हो, उसमें आपको कंसल्टेंसी, कॉलेज लिस्ट और हम आपका कैपराउंड वन का ऑप्शन फॉर्म फिल करके दे सकते हैं। तो इस बार जब शेड्यूल डिक्लेयर होगा तो आपके पास टाइम कम होगा और उस वक्त जो है आप कोई गलती ना करो तो हम जो है आपकी उसमें पूरी हेल्प करेंगे। तो गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर अभी तक आपने लिया नहीं है, ऑलरेडी जो है बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है, अगर आपने नहीं लिया तो अभी जाकर बुक करो अपनी सीट इससे पहले कि हमारी जो सर्विसेज हैं ये क्लोज हो जाएं। तो गाइस अब देखो आपके सामने जो है तीन चार चीज़ें बहुत मोटी मोटी क्लियर हो चुकी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि भाई 30 तारीख तक जो है शेड्यूल आ सकता है। अगर 30 को नहीं डिक्लेयर होता है तो फर्स्ट वीक में जो है 1000% डिक्लेयर हो जाएगा। जिस दिन डिक्लेयर होगा उसी दिन से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरा शेड्यूल होगा उसके अंदर जो है डेट्स होंगे, पर्टिकुलर एक्टिविटी किस दिन होगी, किस तरीके से होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग आती है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी का सर्कुलर आया, ऑफिशियल सर्कुलर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही होने वाले हैं। यानी कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपकी एग्ज़ाम्स कम्प्लीटली ऑनलाइन वैसे होंगी। यहाँ पे जो है मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपना पैटर्न भी बता दिया है कि जो पैटर्न है वो है 20 जो होगी वो ऑनलाइन MCQ बेस्ड होगी और 60 जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्ज़ाम होगी। तो ऐसे करके टोटल 80 मार्क्स की जो है एग्ज़ाम होगी। इसके लिए जो है स्टूडेंट्स को 2 hours 30 minutes का जो है टाइम दिया जाएगा और जो एग्ज़ाम्स होंगे थर्ड सेमेस्टर की वो जो है 23rd December 2021 से होगी। तो यानी कि आपके पास जो है टाइम बहुत कम है, अभी से अगर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे तो और ज़्यादा अच्छा। तो गाइस होपफुली इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपके जो लाइक अब तक क्वेश्चंस थे उनका आपको इस वीडियो में आंसर मिला होगा। आपको हेल्प करने के लिए हमने जो है तीन बेसिक प्लान बनाए हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर अभी तक नहीं लिया है तो अभी जाकर लो इससे पहले कि सारी सीट्स बुक हो जाए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।